आपको अगर आप सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान कहीं भी आप आ रहे हो, आज आपको मैं 10 बातें बताऊंगा आकर नहीं करनी, 10 ऐसी आपको गलतियां बताऊंगा अगर आप यहां पर आते हैं तो इन गलतियों को ना करें। आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, जिससे यहां पर आएंगे नए लोग हैं, आपको पता नहीं है कुछ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत काम की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो जैसे आपको पता है मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और आपको कुछ जानकारी देता रहता हूँ, नई नई जानकारी बताता रहता हूँ सऊदी अरब के बारे में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि सऊदी आ रहे हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सऊदी गल्फ में जितनी भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर आ रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, 10 बातें बताऊंगा, इन 10 बातों का ध्यान रखना। बहुत सारी बातें हैं पर मैं आपको जो ज़्यादा ज़रूरी है आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। हमारी वीज़ा आ चुकी है, वीज़ा स्टैम्प हो गई, आने वाले हो सऊदी, आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना, बस जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। चलो शुरू करते हैं। आप सऊदी आ गए, चलो ठीक है, आप नए नए हैं, आपको कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में। पहला नंबर जो है आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी, जैसे आपके फ़ोन में व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पर कुछ भी गलत पोस्ट नहीं करना। अगर जैसे कोई न्यूज़ आती है, गलत न्यूज़ आती है गल्फ के बारे में, सऊदी दुबई के बारे में, कुछ कोई गलत न्यूज़ दे रहा है और आप उसको शेयर करते हो तो आपको यहाँ पर ये काम नहीं करना, ये काम धोखे से भी यहाँ नहीं करना। अगर आपने किया तो आप परेशानी में पड़ सकते हो, बहुत बड़ी परेशानी में, तो ये काम मत करना है आप। नंबर दो, आप यहाँ पर आ गए, आपका दिल करा यार बाहर घूम के आता हूँ कहीं, आप सोचते हो कि मार्केट में जाऊँ या कहीं घूम के आता हूँ, आपके पास एकामा है, आपका कफिल ने या आपकी कंपनी ने आपका एकामा बनवाया और आप एकामा रूम पे रख के बाहर चले गए, कहीं चले गए घूमते फिर रहे, ये इंडिया नहीं है, इंडिया की तरह नहीं है यहाँ पर। आप कहीं बाहर गए मॉल, किसी भी मार्केट में, सुपर मार्केट में, मॉल में कहीं घूमने गए और आपको पुलिस वाले ने पकड़ा तो आपको फाइन मिल सकता है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी निकले अपने रूम से बाहर, कहीं भी जाना है आपको, चाहे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, आप अपने साथ एकामा जो होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है यहाँ पर, आपको वो साथ में लेके जाना है, साथ में लेके जाना है, हमेशा उसको अपनी पॉकेट में रखना है, कभी भी उसको दूर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। नंबर तीन, आप कहीं मॉल में गए, सुपरमार्केट में गए या पार्क में गए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करना अलाउ नहीं है। यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, कहीं गए और वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर वीडियो फ़ोटो बनाना, वीडियो या फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, आपको वहाँ नहीं करना है काम। अगर आपने ये किया और आपको किसी ने देख लिया, यहाँ हर जगह कैमरे होते हैं, कहीं भी जाऊँगा आप कैमरा मिलेगा आपको, अगर आपको देख लिया चेक इन के दौरान या किसी ने पकड़ लिया, तब आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कहीं भी जाएं, अगर वहाँ पर आप किसी से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हैं नहीं, तो अगर किसी ने बोला नहीं यहाँ ये काम नहीं कर सकते, तो आपको नहीं करना है काम, नहीं करना फ़ोटो खींचनी, ना वीडियो बनानी, ना कुछ ऐसा करना है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नंबर चार, मान लो आप कहीं फ़ोटो खींच रहे हो, फ़ोटो खींचा आपने, आपने फ़ोटो खींचा और आपके पीछे कोई आ गया, लड़का या लड़की कोई भी, जब आप फ़ोटो खींचो, कहीं भी फ़ोटो खींचते हो, जैसे आप सेल्फी लेते हो या अपनी वीडियो बनाते हो या व्लॉगिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो बैकग्राउंड में है कोई, किसी का फेस नहीं है। अगर ऐसा होता है आप उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, अगर किसी ने देखा, पहचाना, वो आप पे क्लेम कर सकता है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। नंबर पाँच, आप कि जो कंपनी है या आपका कफील है, आप जिसके पास काम कर रहे हो, आपसे वो बोलता है कि यहाँ पर मत जाना, इस आदमी से मत मिलना, ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे साथ नहीं है, ये हमारी बुराई करता है, या मतलब कुछ भी गलत बोलता है हमारे खिलाफ, आपसे कफील बोले, आपकी कंपनी बोलती है, आपका मैनेजर, सुपरवाइज़र, कोई भी बोलता है आपसे, आपको उससे नहीं मिलना है, उससे बात नहीं करनी है, उसके पास नहीं जाना, कुछ भी आपसे कफील या आपकी कंपनी बोलती है और आप जाते हो, आप कंपनी ने या कफील ने मना किया पर आप चले गए, पता चल जाता है, क्योंकि कोई ना कोई होता है, बता ज़रूर देता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आप खुश हैं तो खुश नहीं देख सकते, आप अच्छे हैं अच्छा नहीं देख सकते,
अगर आप कहीं जाते हैं पता चल जाता है, लोग बता देते हैं, आपकी कंपनी में से बता देगा या आपका फील के पास काम कर रहा है, आपका आस पड़ोसी आस पड़ोस में कोई होगा वो बता देगा, तो आपको वहाँ नहीं जाना। अगर आप गए, आपसे फिर पूछताछ हो सकता है कि आपकी इमेज कम हो जाए या आपकी सैलरी काट ले या आपको वार्निंग मिल जाए, कुछ भी बोल सकते हैं या आप पर गुस्सा करें, तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको ये काम नहीं करना, मना किया नहीं जाना। नंबर 6, आपका कोई दोस्त है यहाँ पर, साथ में साथी है, आपकी दोस्ती हो गई किसी से, उसकी लड़ाई हो जाती है, वो बोलता है चल यार लड़ाई हो गई है, उससे उसको मानना है, ऐसा कुछ करना है, या कहीं पर लड़ाई हो रही है, आपको वहाँ पर खड़ा नहीं होना, वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं करनी है, आपको गुस्सा करना या लड़ाई करनी, कुछ ऐसा काम नहीं करना। कहीं पर लड़ाई हो रही है आपको वहाँ नहीं जाना, या कोई आपसे बोले चल उसको मानना है मेरी उससे लड़ाई हो गई, यहाँ ऐसा नहीं करना, ये इंडिया नहीं है। यहाँ पे अगर आप लड़ते हैं कुछ भी होता है तो यहाँ अगर अभी फ़ोन किया ना, अभी पुलिस आ जाएगी, फिर पूछताछ होती है कौन आदमी खड़ा था, किस आदमी से लड़ाई हुई, बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा अगर आप करते हो या किसी के लड़ाई झगड़े में जाते हो या कुछ भी गलत सलत बोलते हो, गाली देते हो या कुछ भी करते हो, अगर आप फंस गए बहुत ज़्यादा फंसोगे, बहुत लंबा फंसोगे, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना। कहीं लड़ाई हो रही है नहीं जाना, कोई बोले लड़ाई हो गई नहीं जाना, अपने काम से काम रखना है, काम करने आए हो काम करो बस, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करना। नंबर 6, ये जो मैं नंबर 6 बताऊंगा ये बहुत ज़रूरी है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पर अमल भी करना, अगर आप यहाँ पर हो या आने वाले हो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। आप इधर आ जाते हो, आपका आपके दोस्त बन जाते हैं यहाँ पर बाहर के, या कोई रिश्तेदार हुआ या कोई हुआ कज़न वगैरह हुआ, आपसे पूछेगा कितनी सैलरी है, तुम बोलोगे 2,000-2,500, वो बोलेगा तू इधर मेरे पास आ, मैं तुझे 3,000 तनख्वाह दिलाऊंगा, 2,500 तनख्वाह दिलाऊंगा, 3,500 तनख्वाह दिलाऊंगा, मेरे साथ काम कर, आ जा कफील के पास से आ जा। यानी ये इसका मतलब क्या हुआ जानते हो आप, इसका मतलब हुआ कि आपको ट्रांसफ़र तो करेगा नहीं कफील, क्योंकि आप उसके पास काम कर रहे हो, जल्दी से ये नहीं करते लोग, यानी कफाला नहीं देते जल्दी से, तो आप वो बोलेगा कि यार वो कफील मेरा कफाला नहीं दे रहा ऐसे, तो आपका जो भी दोस्त भाई वो बोलेगा तेरे पास पासपोर्ट है एक काम है आ जा। इसका मतलब आप इलीगल तरीके से जाओगे और दूसरी जगह काम करो, उसको बोलते हैं भागना। तो आप चले गए उसके पास काम करने, जिसने आपको बुलाया, दोस्त जो कज़न कोई भी है आपका, रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी जो भी है, अगर आप चले गए अपने कफील के पास से कंपनी से कहीं और काम करने चले गए, उसके बाद क्या होगा पता है, उसके बाद आपके ऊपर चार्जेस लगा सकते हैं, आपके ऊपर कुछ भी गलत सलत इल्ज़ाम लग सकता है कि मेरा नुकसान करके चला गया, मेरे पैसे लेके भाग गया, या रूम में जिनके साथ रहता था उनका सामान लेकर भाग गया, तो बहुत सारे इल्ज़ाम लग सकते हैं। ऐसा काम कभी मत करना, यहाँ पर गल्फ़ में कहीं भी ऐसा काम कभी मत करना। कोई आपसे बोले कि मुझे मैं तुझे तनख्वाह ज़्यादा दिलाऊंगा मेरे पास आ जा, भले ही आप सोचो कि पासपोर्ट और आप एकामा आपके पास है, लेकिन यहाँ पर ये काम मत करना। आप 10 साल 5 साल कितने साल काम करो यहाँ पर, जब आप अपने घर जाओगे आपको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि जाओगे तो एयरपोर्ट से ना, और जब जाओगे तो नोटिफिकेशन आ जाती है कंपनी के पास कफील के पास, फिर क्या करोगे आप, जो आपने पैसा कमाया है ना यहाँ 5 साल में 10 साल में, वो एक बार में आपका चला जाएगा। तो इसलिए ये काम कभी मत करना, इस पॉइंट को याद रखना ध्यान से। नंबर 7, आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में या कफील के पास, कुछ भी काम कर रहे हैं किसी दुकान में, या आप फैमिली ड्राइवर हैं, तो होता क्या है कि आपके पड़ोस में कोई लड़की है या कोई काम कर रही है, लड़की फीमेल है और वो काम करती है, नौकरी करती है आपकी तरह घर में या कुछ और, तो उसके साथ गलत रिलेशन के मत सोचना, गलत रिलेशन के बारे में मत सोचना, यानी प्यार के या उससे बात करना या फ्रेंडशिप करना, ऐसा काम मत करना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं आप। इस बारे में अगर कंपनी को या आपके कफील को पता चलेगा कि आप किसी लड़की से बात करते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ गलत चक्कर है, आपको भेज दिया जाएगा आपके घर पे, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये काम मत करना। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इन पॉइंट को ध्यान से सुनना, अगर आप आ रहे हो तो पहले से बातों को याद रखना, ये काम नहीं करने, क्योंकि नया नया जो होता है उसको, जो यहाँ पर पुराने लोग होते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो शुरू में ही उसको डिमोटिवेट करते हैं, यानी उसको गलत बातें बताते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं, तो नया आदमी होता है उसको पता नहीं होता, तो वो फिर कुछ गलती कर देता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ गलत काम आपको नहीं करना।
सारे पॉइंट को ध्यान से सुनना है। नंबर 8, आप किसी कंपनी में या आप अपने कफील के पास हो, आप कुछ भी बात हो आपके कफील की कंपनी की आपके बीच में, आप कफील से आपकी या आपकी कंपनी से कुछ भी बात है पर्सनल या आता है या कुछ भी ऐसी चीज पता है जो बाहर नहीं पता किसी, आप क्या करते हो, दोस्त बन जाते हैं आपके, आप उनसे बोल देते हो मेरा कफील ऐसा है या मेरी कंपनी ऐसी, कुछ भी गलत आप बोल देते हो अपने कफील या कंपनी के बारे में, फिर क्या होता है, कोई बोल देगा आपके कफील को या कंपनी में कि यार आपका जो आपके पास काम करता है वो आपके बारे में ऐसे ऐसे बात कर रहा है, फिर क्या होगा, या तो आपको घर भेज दिया जाएगा या आपकी सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी, आपकी सैलरी काट ली जाएगी, कुछ भी गलत हो सकता है ये, क्योंकि ये विदेश है, ये बाहर है, आप बाहर रह रहे हो, अपने घर पे नहीं हो, कि दिल्ली मुंबई में हो, कि कुछ बात होती है, थोड़ा बात बिगड़ी आपके जिसके पास आप काम करते हो, आप घर चले जाते हो, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, तो इन बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 9, मान लो आपको आपकी कंपनी ने आपके कफील ने आपको कहीं भेजा, को या पैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड आपको भेजा और आप नहीं गए, आपने बहाने बनाए और आप आ गए, आपने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना, आपको ना तो कोई बहाना बनाना है ना कुछ गलत बात बतानी है, जो जैसी बात हो आपको वही बात बतानी है, जैसे आप गए कुछ सामान के लिए या कंपनी ने किसी काम से भेजा आपको, अगर आपने वो काम नहीं किया और आपको आप आए कंपनी को गलत सलत बताया, कुछ भी गलत बताया, ये काम नहीं करना, ऐसा कोई सा भी काम मत करना, कोई झूठ मत बोलना, कुछ गलत बात मत बोलना, जो आपने देखा वही बात बताना, जो आपने सुनी वही बात बताना, जो आपने बात बोली वही बात बताना, इसके अलावा दूसरी बात मत बताना। नंबर 10, अगर आपको कंपनी ने गाड़ी दी हुई है काम के लिए या आप कफील के पास हो, कफील ने आपको गाड़ी दी हुई है काम के लिए कि कुछ सामान लाने के लिए या कुछ भी ए टू जेड, अगर आप कोई भी काम करते हो और आपको कंपनी ने या कफील ने गाड़ी दी हुई है, आपको गाड़ी निकालनी है और सामान लेकर आना है और गाड़ी वहां पर खड़ी करनी है, ऐसा ही तो होता है कंपनी में या कफील के पास, कंपनी ने आपको गाड़ी दी है, कफील ने कंपनी ने और काम के लिए दी है, बस काम ख़त्म हुआ, गाड़ी को वहां पर खड़ा करना है। मान लो आपने कंपनी से या कफील से नहीं बोला और आप चले गए चुपचाप बिना बताए अपने दोस्त से, चलो यार दोस्त से मिल के आता हूँ, फला जगह रहता है, यहीं पास में रहता है, एक घंटे का रास्ता है, आधे घंटे का रास्ता है, चलो मिल के आ जाता हूँ उससे, चलो यार चलते हैं, मैं उस गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास गाड़ी है कफील ने कंपनी ने दी हुई है, आप चले गए, अपने कफील से या कंपनी से नहीं इस बारे में बताया और आप चले, कुछ रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी ठुक गई या कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी हो गया गाड़ी के साथ या आपके साथ, फिर पता चलेगा ना, फिर क्या होगा, फिर आपसे सवाल होंगे, अगर आप गाड़ी अगर टूट जाती है कुछ हो जाता है, फिर आप उसका फाइन दो क्यों गाड़ी लेके गए थे, तो कुछ भी काम कंपनी से बिना बताए आपको नहीं करना, जो भी आपको काम करना है, जो भी कुछ काम है, कुछ भी चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो जिसकी आपको ज़रूरत है, तो वो आपको कफील से बोलना है, अपनी कंपनी से बोलना है, यहाँ पर आप अपने कफील के मर्जी के बिना आप यहाँ कुछ मत करना, कोई आपसे बोले कि चल यार वहाँ चलते हैं, ऐसा काम करते हैं, ये काम करते हैं, कुछ भी गलत सलत काम बोलते हैं या कुछ भी काम बोले, आपको नहीं करना, आपको अपने कफील की सुननी है, यहाँ पर जो कफील बोले वो करना है बस, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है और अपने कफील की हमेशा याद रखना, अपने कफील की या कंपनी की कभी बुराई नहीं करनी है, अगर उनके अंदर 100 अच्छाई हैं और एक गलती है तो 100 अच्छाई को बोलना है, एक गलती को नहीं बोलना है, जो भी मैंने बातें बताई हैं समझाई हैं उन बातों को ध्यान रखना, यहाँ पर किसी के चढ़ाए में मत आना, किसी कोई आपसे गलत बात बोलता है उस बात को सुनना, इधर से सुनना और उधर से बात, मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको बातें बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप आएंगे तो इन बातों को ध्यान रखना, मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो भाई भी मेरा आएगा या सऊदी में कहीं भी गल्फ में कहीं भी काम करे, अपना अच्छे से काम करे, सही रहे, खुश रहे, किसी परेशानी में नहीं पड़े, आप नए नए आते हो आपको पता नहीं होता यहाँ के बारे में, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि जो भाई भी वीडियो देखे उसको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिले, और आपका कोई दोस्त आ रहा हो तो आप अपने दोस्त को वीडियो शेयर करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, सो दैट्स अबाउट इट, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना,
और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पूछना हो या कुछ भी और पूछना हो, जानकारी लेनी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो वीडियो को इतने ही रखते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।